भवानीपुर से ममता बनर्जी का उपचुनाव लड़ना तय, टीएमसी ने शुरू की तैयारी, दिया नया नारा। माकपा पहली बार मनाएगी भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस, सभी कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई, कहा हम सब भारतीय हैं। सतीश मिश्रा बोले बीजेपी कर रही ब्राह्मण समाज का अपमान, बिगरू कांड का किया जिक्र। बिहार से अयोध्या, बनारस और कोलकाता जाना होगा बेहद आसान, 56,000 करोड़ में बनेंगे 7 NH। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद। बरेली के बहेड़ी में कोरोना के दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केसर चीनी मिल द्वारा सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की, जो पूर्ण रूप से तैयार होने पर आज केसर मिल प्रबंधक ने DM बरेली नितेश कुमार ने ऑक्सीजन प्लांट का फीता काट कर प्लांट का शुभारम्भ किया है। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर सचिव गन्ना व आबकारी संजय भुरेड्डी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव संजय भुरेड्डी ने बताया कि बहेड़ी में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, ये प्रदेश का 20वां ऑक्सीजन प्लांट है, जिसके बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे जिले में होगी। वही DM नीतीश कुमार ने बताया कि UP के 75 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण किसी भी व्यक्ति को संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया गया है, केसर इंटरप्राइजेज प्रबंधन के हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहेड़ी क्षेत्र की जनता की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें विशेष रूप से प्रेरणा देने के लिए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, हमारा बरेली जिले का प्रशासन और हमारे गन्ना विभाग के पूर्व में यहाँ जिलाधिकारी रहे और गन्ना आयुक्त और प्रमुख सचिव ऐसे मानवर संजय भुसरेड्डी साहब का विशेष रूप से योगदान रहा। उन्होंने गन्ना मिल प्रबंधन से वार्ता किया और यहाँ पर प्रेरित किया कि एक ऐसा सामाजिक एक आवश्यकता है, उसके लिए कोविड के लिए बचाने के लिए सब ऑक्सीजन प्लांट के लिए करो और उनका निर्देश, दिशा निर्देश और उसके कारण से प्रबंधन ने सहमति दी और इन्होंने ये प्लांट बनाकर दिया है। उसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी एक कोविड और बाकी अन्य समयों पर कहीं वैसे ईश्वर ना करे कहीं आवश्यकता पड़े, पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारे लिए विशेष उपलब्धि है। हमारा CSC है बहेड़ी और एक ऐसा एक यूनिट अभी यहाँ पर ये हो गया कि कभी भी इस प्रकार की आकस्मिक कोई घटनाएं होती है तो उससे हम अपने समाज को या पीड़ित को बचा सकते हैं। और बाकी हम सब लोगों ने प्रयास करके और इसको तैयार करा लिया है और संभावित ऐसा लगता है कहीं कोविड का फिर से कोई प्रभाव न बढ़ जाए और तीसरी लहर का प्रकोप न हो जाए तो उसके लिए पूर्व से ही हमारी तैयारी हो गई, इसलिए अब हमारा समाज निश्चिंत है। गांव में से अब बड़ी मात्रा में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ा आग्रह आ रहा है और अब लोगों में जागृति हुई है, चेतना अब पहुंची है और लोग अपने गाँव से डिमांड कर रहे हैं हमारे अब साथ वैक्सीन लगाने के हिसाब से टीम को भेजिए। हमारा तंत्र उस काम को कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और भी जो भी और हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब इस काम में सहयोग कर रही हैं और बहुत जल्दी ही यहाँ पर कोविड की वैक्सीन गाँव गाँव सब लग जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है और हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। मैं आज इस लोकार्पण के अवसर पर अपने क्षेत्र की सब जनता को धन्यवाद भी देता हूँ और उनके लिए एक विशेष उपलब्धि मिली है, उसके लिए फिर से पुनः केसर प्रबंधन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। जनपद एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, प्रेम संबंधों के चलते प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने पति को रास्ते से हटा दिया। बताते चलें कि एटा पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल से फावड़ा मोटरसाइकिल व दो मोबाइल भी बरामद हुए हैं। बीते दिन मृतक खेमकरण अपनी पत्नी संग छत पर लेटा था। हत्या के दिन चांदनी ने 42 बार फोन करके प्रेमी कृष्णा को छत पर बुलाया। एटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी कार्रवाई करके दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है।
ये थाना पिलुआ का ग्राम बमनई है। कल रात्रि में 2:30 के आसपास ये मृतक है खेमकरण, अपनी छत पर अपनी पत्नी के साथ दूसरी चारपाई सो रहा था। कई रात 2:30 के आसपास इसका अटैक हुआ। उसकी दर में किसी धारा हथियार से प्रहार किया गया था और सुबह अस्पताल ले जाया गया उसको, जहां इसकी इलाज और मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा अभिभंजित किया गया था और अभियोग अज्ञात में मृतक के पिता देवेंद्र द्वारा लिखवाया गया था। जब विवेचना प्रारंभ की गई तो घटना निश्चय के समय ही ये स्पष्ट हो गया था कहीं ना कहीं पत्नी का इस मामले में हाथ है। इसी क्रम में उसका सीडीआर के मैसेज किया गया, आसपास लोगों से कोई जानकारी की गई। स्पष्ट हो गया कि जो मृतक का मेरा भाई है कृष्णा, जलालपुर थाना बागा रहने वाला है, उससे मृतक की पत्नी के संबंध बताए जाते थे। और जब पूरी जानकारी की गई तो स्पष्ट हो गया कि पत्नी के सह पर उसके प्रेमी द्वारा रात्रि में हत्या कर दी गई है इसके पति की। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों ने अपना जुर्म का इकबाल किया है। मृतक की पत्नी चांदनी का कहना है कि मेरे संबंध थे अपने मेरे देवर से और इसी के चक्कर में मुझे कई बार मैंने किया था, जिससे मैं परेशान थी, इसलिए मैंने अपने प्रेमी से मिलकर इसकी हत्या कराई। अब पति ने उनको रंगे हाथ पकड़ा था पहले और पत्नी पिटाई पहले से की थी और इसको भगा दिया था अपने घर में। पहले इनके घर में रहता था, ये मृतक के घर में रहता था आरोपी, उसको भगा दिया था, जिससे पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही उद्दलित थे। इसी के चलते और जो इनकी बाधा बन रहा था पति, उसको हटा दिया गया। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली में भारत परिषद भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का 30वां स्थापना दिवस समारोह जनपद बरेली कस्बा भोजीपुरा अमर पैलेस बारात घर में आयोजित किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि हमेशा की तरह प्रतिवर्ष भारत परिषद भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश रहे माननीय चंद्रभूषण पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के वादे चुनावी जुमले के अलावा कुछ नहीं। हमारा संगठन समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सरकार तक पहुंचा रहा है। लगातार 3 घंटे चले सम्मेलन में हजारों लोग उपस्थित रहे और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पदाधिकारियों को अधिकारियों से बात करने को कहा। भारत परिषद भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के स्थापना दिवस पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, समस्त पदाधिकारी। ये भारत परिषद का 30वां स्थापना दिवस है और भारत परिषद ये देश की पहली संस्था है जो 1992 से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और उसने फिट इंडिया अभियान का नारा 1992 में बम्बई से दिया था, जहाँ की आज आप जानते हैं कि फिट इंडिया का नारा दिया गया था, वहीं से हम उन्होंने फिट इंडिया का नारा 1992 में 8 अगस्त को दिया था। तो इसलिए हर 8 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया जा रहा, इस बार यह बरेली में मनाया जा रहा। हम लोगों का 2 मुख्य मुद्दा है, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते ही हैं और भ्रष्टाचार के हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और अब आप देख रहे हैं ये पूरा जनसमूह हमेशा ये तैयार हम लोग करते हैं और जहाँ जहाँ भी लगातार निरंतर हम उन लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। आज इस 30 साल के मौके पे, तो 30 साल का संघर्ष खून पसीना बहा के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका यादगार में एक फिट इंडिया अभियान पुस्तक का भी विमोचन हम लोग कर रहे हैं, अभी करेंगे। देखिए, हम अब 2 मुद्दा आज हम मुख्य रूप से यहाँ उठाना चाहते हैं, वो इस माध्यम से कि वो है कि गाँव की सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अनुरूप वो लागू नहीं किया गया। वो संविधान के अनुरूप ये है कि 29 विभाग मिले हुए हैं ग्राम पंचायतों को, जिसका के अधिकार उनको अगर दे दिया जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएंगे, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से भी, भारत परिषद के माध्यम से भी, और एक राजनीतिक पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो तीनों संगठनों का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उनके माध्यम से मैं गांव को एक तरह से स्वर्ग बनाना चाहता हूं। उसके लिए मेरा कहना है कि गांव को, उस गांव में जब तक गांव स्वर्ग नहीं बन जाएगा स्वर्ग, जब तक कि गांव की सरकार की स्थापना नहीं हो जाती। तो एक तो मुद्दा है कि गांव की
सरकार को स्थापना करने के लिए जगह जगह मांग कर रहा है लोगों को। अब एक बात, एक और बात है, एक दूसरा मुद्दा हम लोग का कि जो प्रदेश में 2022 को आप मद्देनजर देख रहे हैं, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जाति को जो के पीछे दौड़ रही हैं उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, और जात के जो राजनीति के विरोध, इसलिए जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ मायावती का, वहाँ भी जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता का विरोध किया और करते रहेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी जात का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, और हमारा कहना है कि हमको सामाजिक नेता तैयार करना है जो समाज के लिए काम करे, और ऐसे पार्टी को वोट देना, क्योंकि नैतिक पार्टी है, नैतिक पार्टी एक सामाजिक पार्टी है, समाज के सभी लोगों को जोड़ के, जैसा कि देखा आपने हर वर्ग हर जात हर संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उनको जोड़ के नैतिक पार्टी के माध्यम से प्रदेश में सामाजिक सरकार बना जाते हैं, न जातिवादी सरकार, सामाजिक सरकार। और एक एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि बरेली की जनता को भी मैं ये कहूँगा कि किसी भी जातिवादी को उठने दें, हमारे प्रत्याशी हैं, मैं नैतिक पार्टी के तरफ से मैं ये जावेद को इस बार घोषित करने वाला हूँ प्रत्याशी, और मैं कहूँगा कि आप जावेद को नैतिक पार्टी जो सामाजिक सरकार उत्तर प्रदेश में करने। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जनपद एटा में शराब माफिया के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए एटा पुलिस ने संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शराब माफिया अभियुक्त अंकित की चल अचल संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के धारा में जब्त कर ली। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में तहसीलदार चंद्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस बल के शराब माफिया अंकित पुत्र हरवीर सिंह निवासी नगला मदिया थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के विरुद्ध कमर तोड़ कार्यवाही की गई। बताते चले कि अपमिश्रित शराब का व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अवैध अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त संपत्ति जहरीली शराब के अवैध कारोबार से जनपद एटा में शराब माफिया के रूप में चिन्हित महोद उर्फ अंकित निवासी नगला मदिया थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध उसके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए है, आज थाना पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर करने की कार्रवाई की गई है। शराब माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह एक प्रभावी कार्रवाई जनपदीय पुलिस द्वारा की गई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।